नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आज एक वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो बेसिक साइंस सीरीज़ इन जनरल हम लोग यूट्यूब चैनल जो है रन करते हैं उसमें आपको जो है किस तरह से फ़ायदा हो सकता है क्या क्या अलग 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 कॉम्पोनेंट्स हैं जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इन फ्यूचर जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैनल से और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बताऊंगा मैं कि कौन कौन सी अलग अलग जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं वो हम लोग रन करते हैं और उससे किस तरह से आपको फायदा हो सकता है अगर आप उसमें ज्वाइन करते हैं तो उन अलग अलग सोशल मीडिया वेबसाइट्स में हम क्या चीजें शेयर करते हैं तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक और जानने की कोशिश कीजिए कि की बेसिक साइंस सीरीज से किस तरह से आपको फायदा हो सकता है तो चलिए दोस्तों डिस्कशन शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब चैनल की मैं दो यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूं इस वक्त इस वक्त एक बेसिक साइंस सीरीज इंग्लिश और दूसरा बेसिक साइंस सीरीज़ हिंदी नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि एक हिंदी लैंग्वेज में है और दूसरा इंग्लिश में है तो इसका पर्पस ये था कि मैं अलग अलग वीडियो बना सकूँ जिसमें से अलग अलग भाषाओं में मैं इन वीडियोस को शेयर कर सकूँ और सिर्फ लैंग्वेज का ही डिफरेंस नहीं रहता है मैं कंटेंट का भी डिफरेंस देता हूँ और कंटेंट भी अलग रहता है इसलिए मैं आपको मोटिवेट uh, करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप इंग्लिश uh, और हिंदी दोनों चैनल्स को देखिए और इवेलुएट uh, कीजिए कि आपको जो है जो कंटेंट दोनों चैनल्स में मैं डाल रहा हूँ आपको दोनों चैनल से इंफॉर्मेशन सही मिल रही है अच्छी मिल रही है और अगर आपके कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिए अब चैनल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो चैनल जो मैंने शुरू किया था तो मैंने अपने माइंड में इस तरह से एक पिक्चर जो है उस चैनल की फॉर्मुलेट की थी कि एक ऐसा चैनल होगा जिसमें मैं शॉर्ट प्रेजेंटेशंस जो हैं वो शेयर करने की कोशिश करूँगा आप मेरे शुरू के वीडियो देखेंगे वीडियोस देखेंगे तो आप आपको लगेगा कि कितना आ, जो है मैं एफर्ट कर रहा था इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द वीडियो क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि इनिशियली जब मैंने शुरू किया था तो मुझे आइडिया नहीं था कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं कैमरे का आइडिया नहीं था माइक्रोफोन का आइडिया नहीं था और अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं एडिटिंग कैसे करनी है उनका आइडिया नहीं था तो इनिशियली इनिशियली ऐसा ही होता है इसी तरह से धीरे धीरे चीज़ें जो हैं इंसान सीखता है तो मैंने भी कोशिश की अपडेट करने की कोशिश की तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है क्वालिटी जो है इम्प्रूव होती गई और उसी का जो है ये फ़ायदा मिला कि आप लोग जो है चैनल के साथ जुड़ते गए और आज की डेट में हम लोग काफ़ी बड़ी जो है हमारी फैमिली बन चुकी है तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ अब आते हैं चैनल के कंटेंट के ऊपर कि चैनल में जो अब बात करते हैं हिंदी वाले चैनल की चैनल में जो कंटेंट में पोस्ट करता हूँ वो पहली कैटेगरी तो इस तरह से मान के चलिए कि एक लेक्चर टाइप कैटेगरी होती है जिसमें जो बेसिक साइंसेस के सब्जेक्ट्स होते हैं अभी मैं फ़िलहाल फोकस कर रहा हूँ जो बायो साइंसेज के सब्जेक्ट्स होते हैं बायो केमस्ट्री जेनि बायो केमस्ट्री हो गया जेनेटिक्स हो गया आ, सेल बायोलॉजी मोलिकोल बायोलॉजी बैक्टीरियालॉजी ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर फोकस करता हूँ और उनके ऊपर वीडियो बनाता हूँ और अ, मेरा वीडियो का जो फॉर्मेट रहता है ये है कि एलिस्ट्रेश डिज़ाइन करता हूँ अपना जो है आ, नोट पैड का यूज़ करता हूँ जो टच पैड है उससे ड्रा करने की कोशिश करता हूँ ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे सकूँ कैमरे का के यूज़ करता हूँ ताकि आप लोग देख भी सकें और एक इंटरेक्टिव सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूँ तो इस तरह से जो है एक कैटेगरी ये होगी जिसमें आपको जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा जो कि आपके एग्जाम्स में कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बायो रिलेटेड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकता है तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो कॉन्टेंट आप देख सकते हैं दूसरा जो कॉन्टेंट मैं बनाता हूँ दोस्तों वो होता है फेलोशिप से रिलेटेड यानी कि जो अभी तक इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में जो अच्छी अच्छी फेलोशिप्स होती हैं स्कीम्स होती हैं उनके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप्स के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ तो धीरे धीरे वो एरिया भी काफ़ी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी मैंने कुछ एक वीडियो बनाए थे और आपने बहुत उनको पसंद किया है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि एफ़र्ट को आपने एनकरेज किया और आपने बहुत सारे कमेंट्स भी उस पर डाले हैं तो मुझे वहाँ से आइडिया लग गया कि इस टाइप का कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है लोग पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होते हैं उसमें क्योंकि उसके रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन बहुत कम है आज की डेट में अगर आप वेबसाइट्स में जाएं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती हैं उसको अंडरस्टैंड करना उसको इवेलुएट करना फिर और इश्यूज़ आते हैं तो उनको जो है आंसर करने की कोशिश करता हूँ मैं तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो सारी जो है वीडियोज़ आप देख सकते हैं वो कॉन्टेंट आप देख सकते हैं और ज़रूर उस पर कॉमेंट डालिए उन कॉमेंट्स का जो है मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा उसके बाद मैं जो है वीडियोज़ डालने की कोशिश करता हूँ रिलेटेड टू आर्ट वर्क जैसे मुझे बहुत इंटरेस्ट uh, है कि अगर किसी uh, किसी illustration को जो है मैं डिज़ाइन कर सकूं और उसके साथ उस चीज़ को explain कर सकूं तो उस तरह से जिसको मैं एजुकेशन विद illustrations भी कहता हूँ तो उस तरह से भी मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो डालूं और uh, वो भी काफ़ी पसंद किए गए हैं वीडियो जिसमें मैंने प्लांट सेल के ऊपर एनिमल सेल के ऊपर बताने की कोशिश की थी और धीरे धीरे जो है एक इंटरेस्टिंग वे में एक स्टोरी को डिवेल्प किया था तो इस तरह के वीडियोस भी मैं लेके आता हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बायोसाइंसिस के एरियाज़ जो हैं वो कवर कर सकूँ मेरा बैकग्राउंड अपना बैकग्राउंड जो है मोलिकुलर बायोलॉजी बायो केमिस्ट्री बायो फिज़िक्स आप ये सारी बॉटनीजॉलॉजी केमिस्ट्री ये सारा जो है मेरा बैकग्राउंड रहा है तो मैं इस पर्टिकुलर एरिया को जो है पूरा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और अच्छे से अच्छा एक कॉन्टेंट क्रिएट करना चाहता हूँ एक एजुकेशनल रिसोर्स क्रिएट करना चाहता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो आए और उस उस कॉन्टेंट को देखें कोशिश करें सीखने की और वहाँ से जो है एक उनका बेस जो है स्ट्रांग बने तो मेरा मोटो जो है यही था और एक और कैटेगरी जो मैं डिस्कस करता हूँ जो मैंने काफ़ी वीडियोस मैंने उस पर बनाए भी हैं वो है रिसर्च के ऊपर रिसर्च आर्टिकल्स के ऊपर किस तरह से रिसर्च प्रोजेक्ट लिखा जाता है किस तरह से आप रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट कर सकते हैं पब्लिकेशंस अलग अलग तरह की होती हैं वो क्या होती हैं और उनका किस तरह से जो है उनको आप पब्लिश कर सकते हैं अपने रिसर्च आर्टिकल को ये सारी चीज़ें भी मैं डिस्कस करता हूँ तो मेरा ये ओवरऑल रहता है कि टीचिंग और रिसर्च में, में मेरा अपना इंटरेस्ट है और इन चीज़ों को आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी रिसर्च भी आपके साथ शेयर करता हूँ एक और जो है एरिया वो एक्सप्लोर करता हूँ मैं वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का काफ़ी हद तक आपने जो है मेरे वीडियो देखे होंगे जिसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर जो होते हैं बायो रिलेटेड सॉफ्टवेयर से होते हैं उनको यूज़ करता हूँ मैं और लेक्चर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ तो दोस्तों ये देखिए अभी तक तो मैं इतना सब कुछ जो है एक्सप्लोर कर चुका हूँ और काफ़ी हद तक जो है आप लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया है तो इन फ्यूचर भी इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा तो जो भी वीडियो आएगा वो कुछ ना कुछ ऐड ही करेगा आपकी इंफॉर्मेशन में फ़ायदा ही देगा आपकी स्टडीज़ में या आपकी जो कंपिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप उसके लिए आपके जो है तैयारी को वो स्ट्रांग ही बनाएंगे इसलिए मैं इनक्रेज करूंगा आपको कि की ज्वाइन कीजिए ज्वाइन इन द सेंस कि सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट कीजिए चैनल को वीडियोस को पूरा देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए तो ये तो इन जनरल हो गया जो मैं यूट्यूब चैनल के बारे में आपको बता रहा था एक अलग आस्पेक्ट जो है वो ये है कि कॉमेंट्स जो आप डालते हैं जैसे जो क्वेश्चन होते हैं कमेंट्स में वो मैं एड्रेस करने की पूरी कोशिश करता हूँ आप ज़रूर देखिए चेक कीजिए कि जितने भी कमेंट्स होते हैं उन पे मैं ज़रूर एक रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ कुछ एक कमेंट्स तो होते हैं उनको उनको रिप्लाई करने का कोई मतलब नहीं होता तो उनको तो आप भूली जाए तो अच्छा है क्योंकि जब आप सोशल मीडिया में आते हैं तो आपको एनकरेजमेंट भी मिलती है और आपको डिस्करेज भी किया जाता है तो तो आप उन कमेंट्स से क्या होता है कि आप सीखते हैं लेकिन उस चीज़ में इन्वॉल्व होना मैं समझता हूँ कि एक अच्छा नहीं है तो मैं बस उस उसमें से एक जो मैसेज है उसको एक्सेप्ट करता हूं और अपने आप को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता हूं बाकी थैंक यू ज़रूर करता हूं मैं फीडबैक के ऊपर जो भी आप देते हैं और जो आप कमेंट करते हैं जो अगर एक इम्पॉर्टेंट कमेंट हुआ या उसमें कोई क्वेश्चन हुआ क्वारी हुई तो मैं कोशिश करता हूँ उस पर रिसर्च करूँ और आपको बताने की उसमें कोशिश करूँ सही से सही इन्फॉर्मेशन आपको बताने की कोशिश करूँ तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कॉमेंट्स से रिलेटेड और कॉमेंट से क्या होता है कि वीडियो को बूस्ट मिलता है चैनल को बूस्ट मिलता है जब आप कमेंट डालते हैं तो एक इंटरेक्शन होती है वीडियोस में आपकी और उसकी वजह से जो है वो चैनल को सपोर्ट मिलता है इसलिए मैं जो ईमेल्स जो मुझे आती हैं उनको जो वो टाइम पे नहीं वो रिप्लाई कर पाता हूँ क्योंकि कमेंट्स के ऊपर ज्यादा मेरा फोकस रहता है इसलिए आप कमेंट सेक्शन में जाएं और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें पोस्ट करें और मैं उसको जो है आपको रिप्लाई करूंगा और हम जो है एक तरह से चेन जो है कमेंट्स की चेन भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि दूसरों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद हो सकती है बहरहाल तो ये तो होगी यूट्यूब चैनल के बारे में इन जनरल और जैसे कि मैं इलुस्ट्रेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ कि इस तरह से डिजाइन करता हूँ और इलुस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बायोसाइंसेस में स्पेशली और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आ, एक कॉन्सैप्ट को अंडरस्टैंड करने में अगर मैं इस तरह से कहूँ या आप बुक बुक में देखिए बायो बायोसाइंसिस के बहुत सारे टॉपिक्स को एलुस्ट्रेशन में आ, बताया जाता है और जब आप रिसर्च में जाते हैं तब भी आप देखेंगे कि रिसर्च आर्टिकल्स में भी इलस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट रोल रहता है तो आप जरूर देखिए उन वीडियोस को जिसमें मैं एलस्ट्रेशन डिज़ाइन करता हूँ और देखिए कि अगर आप उस तरह से एलुस्ट्रेशन डिज़ाइन कर सकते हैं या नहीं और ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो मैं चाहता हूँ कि आप सीखें नेक्स्ट जो है फेसबुक ग्रुप के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिक साइंस सीरीज का फेसबुक ग्रुप भी आ, मैं रन करता हूँ उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सब चीज़ों का जो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जैसे आप क्लिक करेंगे तो उस पेज पर आपको डायरेक्ट किया जाएगा इस पर्टिकुलर लिंक से और आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और मैं आपको सजेस्ट करूँगा ज्वाइन करें तो मैंने जो है एक फेसबुक ग्रुप स्टार्ट किया है बेसिक साइंस सीरीज करके और एक लिंकड इन पेज है जिसमें जॉब्स के ऊपर फोकस रहता है जो फेसबुक ग्रुप है उसमें जनरल डिस्कशन के ऊपर जो है वो मेरा फोकस रहता है उसमें कोई अपडेट होती है रिसर्च से रिलेटेड जॉब से रिलेटेड फेलोशिप से रिलेटेड वो पोस्ट करता रहता हूँ मैं और जितने भी ग्रुप मेंबर हैं वो भी आपस में जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी जो हमारा जो है वो ग्रुप धीरे धीरे ग्रो कर रहा है वो भी एडिशनली uh, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्विटर भी बेसिक साइंस सीरीज का ट्विटर हैंडल भी है उसमें भी आप जा जाके जो है ज्वाइन कर, कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं उसमें क्या करता हूँ मैं कि जो जॉब्स होती हैं या अपडेट्स होती हैं या कोई प्रोग्रेस होती है जो चैनल में मैं कर रहा हूँ या कोई वीडियोस उसके बारे में भी आपको पहले से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ ट्विटर ट्विटर से आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं उसको भी फॉलो कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको लिंकड के बारे में बताया दिया कि उसमें स्पेसिफ़िकली मेरा जॉब्स और फेलोशिप्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस रहता है तो अगर आप लिंकडिन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ रेगुलरली कि एक अच्छी से अच्छी फेलोशिप अपॉर्चुनिटी अगर जो मुझे मिलती है तो वो, वो मैं वहां पर पोस्ट जरूर करता हूं तो इस तरह से एक सोशल मीडिया का एक ग्रुप सा बना बेसिक साइंस सीरीज का जिसमें यूट्यूब चैनल एक आस्पेक्ट हो गया लिंकड एक आस्पेक्ट हो गया जिसमें जॉब रिलेटेड हो गया फेसबुक ग्रुप जिसमें आप जो है जॉइन कर सकते हैं और डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मुझे और अपने जो हैं अगर आपने कुछ क्रिएट किया है वो भी शेयर कर सक तो आप देखेंगे कि मैंने शुरू किया था कि सिर्फ प्रेजेंटेशन से शुरू किया था और यहाँ पे मैं उन नए यूट्यूब यूट्यूबर्स को जो एजुकेशन में आना चाहते हैं उनको सजेशन देना चाहता हूँ कि मेरा पहला सजेशन तो ये है कि जो आप कंटेंट क्रिएट करते हैं अगर उसको एक थीम दे दीजिए कि आप किस एरिया में क्रिएट करते हैं और क्वालिटी का जो जरूर ध्यान रखिए तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और इन फ़्यूचर भी इस तरह अपडेट्स के अपडेट्स लेके कर आऊँगा मैं इन फ़्यूचर स्पेशली एक सीरीज शुरू करूँगा मैं जिसमें किस तरह से आप वीडियो बना सकते हैं किस तरह से आप जो हैं अलग अलग चीज़ें जो ध्यान में रखनी होती है एक एजुकेशन रिलेटेड वीडियो में वो आप कर सकते हैं देखिए एजुकेशन रिलेटेड वीडियो को आपको समझना पड़ेगा इसमें ये रहता है कि ये एंटरटेनमेंट नहीं है अगर आप व्यू काउंट करेंगे एंटरटेनमेंट वीडियो से अपने आप अपने वीडियोस कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है झटका भी लग सकता है एजुकेशन तो जो है ऑलरेडी देखिए एक स्टूडेंट जो है वो पूरा दिन अपना क्लासरूम में पर्टिकुलर लेक्चर देखते हुए स्पेंड कर रहे हैं तो उसके बाद आपका YouTube चैनल जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो क्यों देखेंगे तो आपको जो है एक सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी एक जो है अगर आप नोट्स प्रोवाइड कर करते हैं तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद होंगे बाकी जो है इस तरह से अपना डीमोटिवेशन जो अपने अंदर मत लाइए कि आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं अगर आपके मन में कोई चैनल शुरू करने की इच्छा है तो आप ज़रूर कीजिए ये मेरा मैसेज उनके लिए है जो यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ देखिए एक स्टूडेंट पूरे दिन उस चीज़ के बारे में पढ़ाई करता है या करती है उसके बाद यूट्यूब पे वो थोड़ा सा अपने लिए एंटरटेनमेंट के वीडियो देखेंगे या अलग तरह के वीडियो देखेंगे जिनको जिनको देख के उनको थोड़ा सा रिलीफ होगा या वो थोड़ा सा हल्का महसूस करेंगे फिर अगर लेक्चर में जाएंगे वो यूट्यूब पे भी तो उनके लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा तो आप जो है अपने चैनल को ज़्यादा जो है वो स्टूडियस ना बनाएँ थोड़ा सा इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल करें क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा लाइट कर देती हैं सिचुएशन को और थोड़ा सा इंट्रैक्टिव बने और स्टूडेंट्स से जो वीडियो देख रहे हैं और देखते हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आपको टाइम मिलता है और आपको लगता है कि वीडियो देख लेना चाहिए तो आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिए मेरा जो कंटेंट जो मैं क्रिएट करता हूँ वो थोड़ा सा जनरल पब्लिक के लिए भी होता है कुछ एक ऐसी चीज़ें बताता हूँ मैं जो पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है और थोड़ा सा पढ़ाई से हटके भी होती हैं जैसे फेलोशिप सीरीज के मैंने के बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पर तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये कॉन्टेंट पसंद आएगा और आप इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे चैनल को धीरे धीरे जो है हम इस चैनल को ऊपर लेके जाएंगे और आपकी सपोर्ट की वजह से ही इसको बड़ा बना सकते हैं और जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी ही मैं क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सकता हूं उतना ही मैं कंटेंट ज़्यादा लेके आ सकता हूं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकता हूं तो ये वन वे सिचुएशन नहीं है वन वे सिचुएशन नहीं है ये टू वे सिचुएशन है यहाँ पे मेरा जो एफर्ट है वो आपकी सपोर्ट के ऊपर निर्भर करता है आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं इस तरह देखिए बैठ के कंटेंट क्रिएट करता हूँ तैयार करता हूँ और मुझे पता है कि वहाँ एक ऑडियंस है जो मेरा वीडियो देखना चाहती है जिनके पास इतना टाइम है कि वो इस तरह का कॉन्टेंट जो है वो देखना चाहती हैं तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस तरह आप बने रहेंगे चैनल के साथ और सपोर्ट करेंगे और साथ ही मैं ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूं अगर कोई इन फ्यूचर अपडेट आती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं ऑलरेडी uh, आपको बता चुका हूं कि फेलोशिप्स के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्टेंट हैं और क्वेश्चन हैं उनके भी आपको आंसर देता रहूँगा और उसके बारे में भी डिटेल में आपको बताता रहूँगा तो तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको थोड़ी बहुत जो है अब इन्फॉर्मेशन बेसिक साइंस सीरीज़ के बारे में मिली होगी और जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बता चुका हूँ उनको ज्वाइन कीजिए दोस्तों और चलिए एक अच्छा सा ग्रुप बनाते हैं एक बढ़िया सा ग्रुप बनाते हैं तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त मैं मिलूंगा अगले वीडियो में जहाँ पर हम इसी तरह की कुछ बातें डिस्कस करेंगे और करूंगा आपको बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं धन्यवाद दोस्तों